अच्छा है। बच्चों एक कहानी ऐसी चोर की है, जो वैसे तो चोर है, उसके मन में लालच अच्छा चोरी करता है, लेकिन वो मन से अच्छा भी है। कैसे है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तीन लड़के दोस्त थे, एक राजा का बेटा था, एक मंत्री का बेटा था और एक व्यापारी का बेटा था। तो तीनों ही दोस्त हमेशा मौज मस्ती करते थे, कभी कोई काम नहीं करते थे। तो इससे क्या, उनके जो पिता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो एक दिन राजा ने अपने बेटे को बुला लिया, अगर तुम ऐसे ही मस्ती करते रहोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। यही बात मंत्री के मंत्री ने अपने बेटे से कहा और यही बात व्यापारी ने भी अपने बेटे से बोली। अब वो तीनों मित्र एक जगह मिले तो उन्होंने बताया कि रात को पिताजी ने हमें ऐसा बोला। तो उन तीनों ने सोचा क्यों ना हम घर छोड़ दें। तो एक बोला कि अगर हम घर छोड़ेंगे तो हमें धन की जरूरत है, पैसे हम कहां से लाएंगे। तो बोले पैसे कमाने पड़ेंगे, पर कैसे कमाएंगे। तो वो सोचने लगे, तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा एक दूर ऊंची पहाड़ी है, वहां पे बहुमूल्य रत्न मिलते पड़े, मतलब पहाड़ी पे रत्न है, तो क्यों ना हम रत्न लेके आए और हम बहुत धन वाले बन जाए। बोले ठीक है। अब वो दोनों तीनों घर छोड़ देते हैं और पहुंच जाते हैं दिन में चलते 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 उस पहाड़ी पे। जंगल भी आता है, गांव आता है, चलते चलते पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं और वहां भी तीनों एक एक बहुमूल्य रत्न ले लेते हैं। ठीक है। अब वो वापस आने लगते हैं तो रात होती है। अब वो कहते हैं अगर हम रात में जाएंगे तो जंगल भी है और गांव भी है, तो हो सकता है कोई चोर हमारे पीछे लग जाए और हमारे इन रत्नों को चुरा ले, तो हम इनकी रक्षा कैसे करें। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम अपने रत्नों को निगल जाएंगे तो हमारे पेट में सुरक्षित रहेंगे। तो जब वो आगे चलते हैं तो एक जगह जब खाना खाने बैठते हैं तो खाने के साथ उस जो रत्न थे उसको निगल लेते हैं। तभी बच्चा चोर था जो उनकी ये सब चीजों को देख रहा था, तो बड़ा खुश हुआ कि मैं इन तीनों के साथ जाता हूँ और फिर मैं इनसे ये चोरी कर लूंगा। तो वो उनसे बोलता है कि भी रात का टाइम है, जंगल है, मुझे डर लगता है, तो क्या मैं तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ। चोर ने कहा। तीनों ने कहा हाँ क्यों नहीं। तो जंगल पार करता, तो फिर वो एक गांव के पास से गुजरते हैं, तो गांव का जो मुखिया था उसके पास एक तोता है, तो वो जो भी बोलता है सच बोलता है और मुखिया उसके पास तो समझता है। तो जैसे ही वो यात्री वहां से निकलता है तो तोता जोर जोर से बोलता है यात्रियों के पास रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है। तो मुखिया सोचता है, मुखिया अपने आदमियों को भेज के उनको पकड़ लेता है और उनकी तलाशी लेता है, लेकिन रत्न कहीं भी नहीं मिलते। तो मुखिया सोचता है इस बार शायद तोते ने कुछ गलती कर दी है ना, तो वो उन्हें छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है और गांव के पास जाने लगता है ना, वो फिर चिल्लाता है मुखिया के पास वो सॉरी रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है। मुखिया फिर पकड़ आता है कि नहीं मेरा तोता झूठ नहीं बोल सकता। अब क्या करते हैं, वो उसके कबूल सबके कपड़े खुलवा के तलाशी लेते हैं, लेकिन फिर रत्न नहीं मिलते। तो मुखिया फिर सोचता है कि मेरा तोता झूठ नहीं बोलता, कुछ तो गड़बड़ है। तो कहता है कि मैं सुबह तुम सबके पेट चीर दूंगा, तुम्हारे पेट में रत्न है। अब रात को उनको एक कमरे में बंद करते, डर जाते हैं। अब चोर सोचता है कि इन तीनों के पेट में तो रत्न है, तो अगर इनका पेट पहले कटा तो इन तीनों के पेट से रत्न मिलेंगे तो वो मुझे भी जरूर मारेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं इनका जीवन बचाऊं, क्योंकि सबसे पहले मैं अपना पेट कटवाऊंगा तो मेरे पेट में रत्न मिलेगा नहीं, तो वो इन तीन को छोड़ देगा। तो वो ऐसा सोचता है कि कम से कम मेरी तो जान नहीं बचेगी, लेकिन इन लोगों की तो मेरी वजह से जान बच जाएगी। तो सुबह सुबह वो मुखिया से कहता है कि मेरी एक विनती है, मैं अपने भाइयों को मरते हुए नहीं देख सकता, तो आप सबसे पहले मेरा पेट काट। तो मुखिया वही करता है, वो सबसे पहले उस चोर का पेट काटता है, तो उसके पेट में तो घुसता ही नहीं, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो मुखिया कहता है इस बार तो पक्का ही मेरे तोते ने गलत बोला है। वो उन तीनों से माफी मांगता है और उन तीनों को छोड़ देता है। वो तीनों चले जाते हैं और अपना अपना रत्न बेच के बहुत धनवान हो जाते हैं, लेकिन वो चोर को कभी भी नहीं भूल सकते। तो बच्चे इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी जो गलत कार्य करता है वो व्यक्ति बुरा भी हो वो अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ो। किसी राज्य में तीन मित्र थे, एक राजा का बेटा, दूसरा मंत्री का और तीसरा व्यापारी का। तीनों में बहुत गहरी मित्रता थी, तीनों सदा इकट्ठे रहते थे, सारा दिन मौज मस्ती करते थे, किसी काम से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तीनों के पिता यानी राजा, मंत्री और व्यापारी की आदत बहुत बुरी लगती थी। एक दिन राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा तुम अपना समय व्यर्थ ही बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अपने तौर तरीके सुधारने चाहिए। मंत्री ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा
व्यापारी ने भी अपने पुत्र को बुलाया और कहा अपने आप को सुधारो, अगर तुम नहीं सुधरोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तीनों मित्र इकट्ठे बैठकर बातें करने लगे। राजकुमार बोला मेरे पिताजी ने मुझे अपने तौर तरीके ठीक करने के लिए कहा है। बिल्कुल यही बात मेरे पिताजी ने भी मुझसे कही है। मंत्री का पुत्र बोला मेरे पिताजी ने भी मुझे यही कहा है। व्यापारी का पुत्र बोला उन्होंने तो मुझे न सुधारने पर घर से निकाल देने की धमकी भी दी है। यह बात बहुत बुरी है। राजकुमार बोला हम अपने पिता के ऐसे शब्द नहीं सुन सकते, चलो कहीं चले। लेकिन हम कहाँ जा सकते हैं, मंत्री के पुत्र ने पूछा। हमारे पास पैसे तो है ही नहीं, कहीं और जाने के लिए हमें फिर अपने पिता से पैसे मांगने पड़ेंगे, हमें स्वयं धन पैदा करने का कोई तरीका खोजना चाहिए। व्यापारी का पुत्र बोला यहाँ से कुछ दूर एक पहाड़ है, पहाड़ की चोटी पर कीमती पत्थर और नगीने पाए जाते हैं, चलो फिर चले पहाड़ पर चले। राजकुमार ने कहा अगर हमें कुछ कीमती पत्थर और नगीने मिल गए तो हम अपने अपने पिता की सहायता के बिना रह सकेंगे। तीनों मित्र अपनी यात्रा पर रवाना हो गए। उन्होंने एक बड़ी नदी को पार किया, फिर एक घने जंगल में से गुजरे, अंत में पहाड़ तक पहुंच गए और उसकी चोटी पर चढ़ गए। उनका भाग्य अच्छा था, प्रत्येक को एक बहुमूल्य रत्न, एक एक बहुमूल्य रत्न मिल गया। अब हम घर जा सकते हैं, उन्होंने कहा। जो ही वे पहाड़ से नीचे उतरे उन्हें आगे की कठिन यात्रा का विचार आया। एक बार फिर उन्हें उस घने जंगल में से गुजरना पड़ेगा जहाँ दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता है, जंगल में लुटेरे और चोर होते हैं, मंत्री के पुत्र ने कहा। व्यापारी का पुत्र बोला वे हमें मारकर हमारे रत्न छीन सकते हैं। यह तो सच है, राजकुमार ने सहमत होते हुए कहा। अब हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये रत्न घर तक सुरक्षित पहुंच सके। मैं जानता हूँ हमें क्या करना चाहिए, मंत्री के पुत्र ने सलाह दी। हमें जंगल में से गुजरने से पहले अपने रत्न को निगल लेना चाहिए, वे हमारे पेट में सुरक्षित रहेंगे। यह विचार अच्छा है, राजकुमार सहमत हुए बोला। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वे कहाँ रखे हैं। जब वे जंगल के नजदीक पहुंचे तो खाना खाने के लिए रुके। हर एक ने अपना अपना रत्न खाना खाते समय निकल लिया। दुर्भाग्य से एक चोर भी उन तीनों मित्रों का पीछा कर रहा था। उसने उन तीनों की सारी बात सुन ली और उन्हें रत्न निकलते हुए देख भी लिया। चोर प्रसन्न हुआ, उसने उन तीनों को मारकर रत्न हत्या लेने की योजना बनाई। जब तीनों मित्र जंगल में घुसने लगे तो चोर उनके पास पहुंचा। भले मालिक को घना जंगल है, मुझे अकेले जाने में डर लगता है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? तीनों मित्र बोले कि उनके साथ यात्रा कर सकता है। अपने दल में एक और आदमी मिलने से वे प्रसन्न थे। वे तीन से चार बने। जंगल के आगे रास्ते में एक गांव था। उस गांव के मुखिया के पास एक तोता था। उसे अपना तोता बड़ा प्यारा था। वह तोते की सारी बात समझता था। उसे विश्वास था कि उसका तोता हमेशा सच बोलता है। चारों आदमी उस गांव में पहुंच गए। ये मुखिया की झोपड़ी के पास से गुजरे। जब वे गुजर रहे थे तो तोता बोलने लगा यात्रियों के पास रत्न है। वह चिल्लाया यात्रियों के पास रत्न है। मुखिया ने सबको सुना और रत्न हत्या लेने का निश्चय किया। उसे जल्दी ही अपने आदमियों को भेजा और यात्रियों को पकड़ लाए। चोर और तीनों मित्रों को पकड़कर मुखिया के सामने लाया गया। मुखिया ने उनकी तलाशी ली, उसे रत्न कहीं नहीं मिले। उसने मन ही मन सोचा शायद मेरे तोते को इस बार गलत फहमी हुई है। उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी यात्रियों को छोड़ दे। चारों फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। जो ही गांव से बाहर निकले तोता फिर चिल्लाया यात्रियों के पास रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है, मेरा तोता कभी गलत नहीं बोलता। मुखिया बोला यात्रियों के पास रत्न अवश्य होंगे। उसने अपने आदमियों को फिर से पकड़कर लाने के लिए कहा। एक बार फिर चोर और तीनों मित्रों को पकड़कर मुखिया के सामने लाया गया। इस बार मुखिया ने सबके कपड़े उतरवाकर तलाशी ली मगर फिर भी रत्न नहीं मिले। मेरा तोता हमेशा सच बोलता है, वह बोला, रत्न वे दिखाई नहीं देते, लगता है तुमने उन्हें निगल लिया है। चोर और तीनों मित्र चुप रहे। मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए, मुखिया कहता गया, कल सुबह मैं तुम्हारे पेट चीर डालूंगा, फिर मुझे रत्न अवश्य मिल जाएंगे। चारों यात्रियों को मुखिया ने एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ आदमी उनकी चौकसी के लिए बैठा दिए। चारों में से कोई भी नहीं सो सका। डर के मारे उनका पूरा हाल था। एक ही विचार उन्हें खाए जा रहा था कि आने वाली सुबह उनके लिए मौत का संदेश लेकर आएगी। चोर बैठे बैठे सोचता रहा।
यदि मैं मुखिया से कहूंगी वह पहले मुझे मारे तो उसे मेरे पेट में कुछ नहीं मिलने वाला, तब वह सोचेगा इनमें से किसी के पास कुछ भी नहीं है, शायद वह इन सबको छोड़ दे। यदि इन तीनों में से पहले मारा तो उनके पेट में रत्न निकल आएंगे और मुखिया मुझे मुझे अवश्य मार देगा, क्योंकि उसे क्या पता मेरे पेट में रत्न है या नहीं, इसलिए मुझे किसी भी दशा में मरना ही है, तो क्यों ना मैं इन तीनों युवकों के जीवन बचा लूं। सुबह हुई मुखिया चारों आदमियों के पेट चीर डालने के लिए तैयार था। चोर ने मुखिया से याचना की मारने से पहले उसकी एक बात सुन ले। वह बोला, मैं अपने भाइयों को मरता हुआ नहीं देख सकता, कृपा करके पहले मेरा पेट चीरा जाए। मुखिया ने सोचा मारना तो सभी को है, इसे आगे पीछे क्या है, इसलिए वह सहमत हो गया। चोर का पेट चीरा गया, मुखिया को उसमें कुछ भी नहीं मिला। हाय, वह बोला, मैंने तो व्यर्थ ही आदमी की हत्या कर दी, इस बार मेरे तोते ने गलती की है। मुखिया ने तीनों मित्रों को छूट दिया और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। बाद में वे अपने रत्न बेचकर बेखूबी खूब धनी हो गए, लेकिन वे उस चोर को कभी नहीं भूले जिसने उनकी जान बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तो देखो बच्चों, चोर गलत व्यक्ति था लेकिन फिर भी उसके अंदर इंसानियत जागी और उसने उनकी मदद करी। आज आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है पहले और इसके शब्दार्थ करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देख के इसका आंसर फाइंड आउट करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर पढ़ना बताऊंगी, ठीक है ना। आज केवल बुक पढ़ेंगे आप, चैप्टर पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ करेंगे, ठीक है।